टिप्पणियां तो देखो तुसी भी सारा एनालिसिस करते रहिंदे हो, रोज खबरां दी जानकारी जिहड़ी तुहाडे कोल पल पल दी आउंदी है, फिर उहदा तुसी चीर फाड़ करदे हो, फिर तुसी दर्शकां नूं समझाउंदे हो कि इस खबर दा इहदे पिछे एजेंडा की है, पोलिटिकल पार्टी दा जां जिहड़ा कोई लीडर इहो जी कार्रवाई करदा उहदी पिछे मनोभावना की है। देखो एह इक दौर चल रहा सी, इसे दौर दे दरमियान ही एक आम आदमी पार्टी सामने आई सी कि जिहड़ी कहिंदी सी कि मैं एक वक्खरे किस्म दी राजनीति करांगी, ते उन्होंने जिहड़ी राजनीति शुरू की उस राजनीति का ही यह सिट्टा है कि अज जिस तरीके नाल घंटे घंटे बाद पार्टियां बदलियां जा रही हैं। तुसीं ये देखो जिहड़े इस सिधांत दीआं गल्लां करन वाले लोग सन, जिहड़े कहिंदे सी अखी वक्खरी किस्म दी राजनीति देंगे कि अकाली दल भी माड़ा है, कांग्रेस भी माड़ी है, बीजेपी भी माड़ी है, कम्युनिस्ट भी माड़े है, ते असीं एक वक्खरी किस्म दी राजनीति लैके आवांगे। उन्होंने जलंधर दे विच कांग्रेस दा जिहड़ा एमएलए सी, साबका एमएलए सी, उस नूं अपनी पार्टी दे विच शामिल कीता ते लोकां दीआं भावनावां दे उल्ट जाके उहनूं टिकट दित्ती, ते फिर अज जो कुछ कार्रवाई उहनां दे नाल होई है इसे तरीके दे नाल उहनां ने पिछले दिनां दे विच जिस तरीके दे नाल अलग अलग पार्टियां दे विचों बंदे अपनी पार्टी विच शामिल कीते, तां तुसीं देखो मैं तां जो इहदा पैमाना देख रहा कि बीजेपी हुण लभ लभ के जिहड़े खौरू पाउण वाले, जिहड़े बहुबली जिन्हां नूं कहिंदे हो कि जिन्हां दे उत्ते वध तों वध केस दर्ज ने, उहनां दी चोण करके उहनां नूं अपनी पार्टी विच शामिल कर रही है। जिहड़ा रिंकू है जां जिहड़ा उहनां दे नाल है दूसरा एमएलए, इहनां दोनां दा पिछोकड़ देखो, इहनां दे उपर किन्ने किन्ने केस दर्ज ने, किवें आपस विच लड़दे सी, किस तरीके दे नाल इक दहशत दा माहौल चोणां दे विच बनाउंदे ने। सो बीजेपी ने भी ये महसूस कर लिया कि साडा भी इहनां लोकां तों बगैर गुजारा नहीं हैगा, ते उहनां ने फिर ये चोण चुण चुण के बंदे जिहड़े उह अपनी पार्टी विच शामिल करने शुरू कर दित्ते आ। पर जिहड़ी सरदार जगरूप सिंह जी गल कर रहे सी, मैं उहदे नाल बिल्कुल सहमत हाँ कि जदों भी तुसीं डिबेट दी गल कीती, जो डिबेट ते आउणा सी ते पहलां कि उत्थे कहांगे की किस तरह दा माहौल बनिया होया राजनीति दे विच, कि देखो जदों कोई एक नवीं धिर सामने आउंदी है ते उस वक्त इह हुंदा है कि लै वी बाकी जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने उहनां तों हट के कोई एक वक्खरी मिसाल पैदा कर देणगे। पर इहनां ने तां आउण वाले समें दे विच कि जे कोई बंदा कोई पंजाब दे विच जां देश दे विच बदलाव दी गल करन दी गल करेगा तां उह कहणगे कि इहनां पार्टियां दे विचों चोण कर ली जावे। सो मैनूं इक गल दी जरूर तसल्ली है, श्रोमणी अकाली दल दे विच साडे लीडर लड़दे भी ने, झगड़दे भी ने, लेकिन उह किसे दूसरी पार्टी दे विच नहीं जांदे। जिहड़े गए ने जां जिन्हां नूं लिआंदा गिआ उहदा खमियाजा सानूं वी समें समें भुगतना पिआ है। जे कोई असीं कांग्रेस दे विचों लैके आए हां जां किसे दूजी पार्टी दे विचों लैके आए हां तां उहदा जिहड़ा खमियाजा है उह किसे ना किसे रूप विच पार्टी नूं भुगतना पिआ है। सो हुण तां इक अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ा इक मैसेज जिहड़ा वोटरां नूं, क्योंकि वोटर इत्थे बेवस जिहड़े आ उहनां नूं बेवस कीता जा रिहा कि असीं जो मर्जी फैसला लईए, जिहड़ा वी असीं फैसला लवांगे तुहानूं उह फैसला प्रवान करना पवेगा, चाहे उह अज कांग्रसी है, कल नूं असीं ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ